कर दोस्तों स्वागत है आप सबका पूनम सिंह रेसिपीज में और मैं पूनम आज आप लोग को बिहार के मशहूर लिट्टी चोखा की रेसिपी लेकर आई हूँ फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन ज़्यादा लंबी नहीं है फिर भी आप लोग देखिएगा स्टेप बाय स्टेप कैसे हम बनाए हैं तो सबसे पहले हम इधर आलू बॉईल करने के लिए धोकर रखे हैं और उधर बैगन काट कर हम गैस पर इसको पका रहे हैं पकाया हुआ बैंगन और टमाटर का चोखा फ्रेंड्स बहुत ही लाजवाब लगता है बहुत लोग तो बाहर खाइए तो वो उबाल कर देते हैं जो उतना टेस्टी नहीं लगता है पानी का अंश रहता है लेकिन आप पका कर रोस्ट करके लकड़ी के कोयला पर उपला पर या गैस पर पका बनाइए बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स तो इधर हम चोखा पकने के लिए रख दिए हैं बैंगन टमाटर को और उधर उसका मसाला हम तैयार करेंगे आलू भी बॉईल करने के लिए रख दिए हैं फ्रेंड्स इधर धनिया पत्ती भी हम काट लेंगे मूली काट लेंगे सब सलाद के लिए भी सब हम तैयारी करके रख दिए हैं क्योंकि मेरे यहाँ आने वाले थे भैया भाभी तो खाना पर मैं बुलाई थी फ्रेंड सबको तो उन लोग का डिमांड था कि बिहार का स्पेशल लिट्टी चोखा बनना चाहिए तो हम वही बना रहे हैं और आप लोग को भी दिखा रहे हैं कि कैसे हम बनाते हैं लिट्टी चोखा तो इधर जो जो बैगन टमाटर पकते जा रहा था उसको हम निकाल कर बड़ा बोल में रखते जा रहे थे इसको निकाल कर बोल में रख ढक कर रख दीजिए तो जो गरम गरम भाप से जो पानी रिलीज होता है उससे इसका छिलका फूल जाता है फ्रेंड्स और बहुत ही आसानी से हम लोग इसको साफ़ कर लेते हैं इसका स्किन का जो पका हुआ लेयर है उसको हटा देते हैं इधर आलू भी बॉयल हो चुका है फ्रेंड्स सलाद भी कट चुका है बैगन टमाटर भी पक चुका है और सबको हम साफ़ करेंगे ठंडा होने के बाद जो बैगन नहीं पका है उसको उलट पलट कर हम पका ले रहे हैं तो देखिए सारा पक कर ठंडा हो चुका है और कैसे स्किन हटाते हैं इसका तो पका हुआ ही चोखा आप लोग भी ट्राई करें थोड़ा सा मेहनत है फ्रेंड्स लेकिन बहुत टेस्टी लगता है आप लोग एक बार बना कर देखें तो इसे देखिए हम साफ़ करके इसका हटा लिए हैं पानी से नहीं डालें पानी से भी स्वाद चेंज हो जाता है तो सब हम मसल लेंगे अच्छी तरह से क्योंकि ये अच्छी तरह से पक चुका है और घुल चुका है तो सबको हम देखिए मसल कर बिल्कुल चिकना पेस्ट बना लिए इसी में हम आलू को छील कर उसको भी मसल लेंगे फ्रेंड्स आप चाहें तो आलू का चोखा अलग भी रख सकते हैं और बैगन टमाटर अलग रख सकते हैं लेकिन है कि तीनों मिलाकर बनाइए तो लाजवाब स्वाद आता है चोखा का फ्रेंड्स तो देखिए हम सबको मिला लिए इसी में हम थोड़ा तेल डालेंगे और नमक डालेंगे ताकि गुल्ठी गुल्ठी नहीं रहे आलू और चिपचिपा चोखा ना हो स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और सबको मिलाकर हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे क्योंकि आलू गर्म था इसलिए हमको मैशर का जरूरत पड़ा फ्रेंड्स तो देखिए अब ठंडा हो चुका है और इसी में हम डाल देंगे पका हुआ बैगन और टमाटर और सारा हम मिला देंगे आप चाहे तो सर्विंग स्पून से भी मिला सकते हैं लेकिन जो हाथ से मिलता है अच्छा से वो सर्विंग स्पून में कहाँ और इधर हम देखिए प्याज अदरक धनिया पत्ती लहसुन और हरी मिर्च को काट लिए हैं आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग सब चीज़ डाल सकते हैं तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं और सबको हम चॉपर में अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे जो बहुत ही बारीक चौप हो जाता है और घुल जाता है सत्तू में भी और चोखा में भी उसका स्वाद ही अलग आता है फ्रेंड्स तो देखिए सारी जो हम सब्जियाँ काटे थे अदरक लहसुन मिर्ची प्याज धनिया पत्ती सबको मिला देंगे और हाँ खाने के दो घंटा पहले चोखा बना कर रख दीजिए तो उसका स्वाद बहुत ही लाजवाब आता है फ्रेंड्स ऊपर से धनिया पत्ती डाल कर रख दिए इधर हम सत्तू बना लेंगे तो सत्तू में डालें एक चम्मच जीरा एक चम्मच अजवाइन आठ दस काली मिर्च आप काली मिर्च को कूट भी डाल सकते हैं इधर मंगरेला डाल दिए आधा चम्मच और दो नींबू का जूस हम निकाल लिए हैं और इसको मिला देंगे उसी में काला नमक ले लिए एक चम्मच एक चम्मच हम ले लिए सादा नमक दो सर्विंग स्पून हम ले लिए हैं मस्टर्ड ऑयल और ये जो लहसुन अदरक मिर्चा प्याज का हम चॉप करके रखे थे वो सारा हम मिला लेंगे आप काट कर भी मिला सकते हैं और ऐसे भी मिला सकते हैं आपकी इच्छा और सबको हम मिला देंगे इसी में थोड़ा सा हम चॉपर को धो कर और पानी डाल देंगे पानी भी इसमें डाला जाता है फ्रेंड्स आप चाहें तो अचार का तेल मसाला भी डाल सकते हैं लेकिन हमको अचार का टेस्ट सत्तू में नहीं पसंद है इसलिए हम नॉर्मल जैसे बनता है सत्तू वैसे बनाते हैं इधर आटा ले लिए एक किलो आटा छः लोगों का प्रिपरेशन हम कर रहे हैं फ्रेंड्स इसी में दो सर्विंग स्पून घी डाल दिए ताकि लिट्टी अंदर भी सॉफ्ट रहे कड़ा नहीं रहे और इसको मिलाकर हम इसका कड़ा डो तैयार करेंगे गीला नहीं बनाता है आटा इसका देखिए बिल्कुल कितना कड़ा है कड़ा है कि लिट्टी फट जाता है पकने के बाद इसको ढक कर रख देंगे आधा घंटा के लिए इधर हम अब लकड़ी और इसका तगाड़ कड़ा होता है उसमें हम लकड़ी डालकर और आग तैयार करेंगे लिट्टी सेकने के लिए नीचे ईंटा और बालू इसलिए रख दिए हैं फ्रेंड्स कि टाइल्स फटे नहीं गर्मी से और लकड़ी सूखी हुई रहनी चाहिए आप उपला का भी उपयोग कर सकते हैं गोईठा जो गोबर से बनता है काउडंक और कपूर की सहायता से आपके पास मिट्टी तेल हो तो उससे भी लकड़ी को जला सकते हैं इसको हम डला जला दिए और सूखी हुई लकड़ियाँ डाल दिए इसको जलने में आधा घंटा लगता है फ्रेंड जल कर ये कोयला तैयार होगा तब हम इस पर लिट्टी रखेंगे तो देखिए इधर हम लोग मिलकर लिट्टी भर रहे हैं भाभी हैं भाभी की मम्मी और हम तीनों लोग लिट्टी देखिए आटा का लोई और उसी को कटोरी जैसा करके और सत्तू दबा दबा कर भरते हैं हम लोग क्योंकि सत्तू में ही स्वाद रहता है फ्रेंड्स और इसको गोला कर कर के इसका एक्स्ट्रा जो आटा है उसको हम लोग निकाल देते हैं देखिए जो एक्स्ट्रा आटा है निकाल दिए ताकि ये अंदर तक पक जाए और चिकना देखिए लिट्टी भरकर तैयार है वैसे ही करके एक एक करके हम लोग लिट्टी सारा भर लिए थे बारी बारी से सब लोग अपना लिट्टी भर भर के अपना कलाकारी दिखा रहे थे हम लोग कि किसका लिट्टी ज़्यादा चिकना हो रहा है किसका बड़ा हो रहा है किसका एक साइज़ का हो रहा है तो दो तीन लोग रहते हैं तो थोड़े से कंपटीशन भी हो जाती है मज़ा भी आता है मिलजुल कर पिकनिक का माहौल था हम लोग पाँच छः लोग थे मिलकर बैठकर बना रहे थे फ्रेंड्स तो देखिए सारा लिट्टी करीब करीब हम लोग भर लेंगे एक साथ इधर आ आग भी है जो जलकर तैयार हो रहा है थोड़ी सी गर्मी का मौसम था तो थोड़ा दिक्कत हो रहा था अब आग तैयार है तो देखिए भाभी मेरी लिट्टी डाल रही हैं एक्स्ट्रा जो लकड़ी में आग जल रहा था धुआं था उसको हम लोग एक किनारे कर दिए थे ताकि लिट्टी ख़राब ना हो और इसको डालकर छोड़ा नहीं जाता है फ्रेंड्स उलट पलट के तुरंत ही पलटा जाता है इसको ताकि ये एक साइड से जले नहीं तो धुआं लगने से भी परेशान है तो इसको हम देखिए अब हम बैठे और हम इसको उलट पलट कर सेंकेंगे जल्दी जल्दी क्योंकि हमको आदत है लकड़ी पर लिट्टी बनाने का और ऐसे ही उलट पलट कर सेंकेंगे और ये पक जाएगा डालने से है कि थोड़ा सा आग कमज़ोर भी होता है और हम ऐसे ही उलट पलट देंगे अगर नहीं पकता है तो लकड़ी को साइड करके बीच में खाली स्पेस करके उसमें लिट्टी रख कर और हम लोग ढक देते हैं कि लिट्टी पक कर फट जाए अच्छी तरह से तो देखिए लिट्टी जहाँ जहाँ आग है वहाँ से उठा उठा कर हम डाल रहे हैं कि पक जाए लिट्टी अच्छी तरह से और इसका है थोड़ा सा परेशानी है लेकिन स्वाद और आनंद दोनों आता है थोड़ा मेहनत करके खाइए तो बहुत ही मज़ेदार लगता है बिहारी फेम लिट्टी चोखा तो हम भाभी को दिखा रहे थे वो सूट कर रही थी तो देखिए करीब करीब तैयार हो चला है अब जहाँ नहीं पका है जो एक्स्ट्रा आग था उसको खींच खींच कर हम और सेंक रहे हैं कि पक जाए लिट्टी कच्चा नहीं रहे आप लोग भी अगर बनाते होंगे तो कैसे बनाते हैं कमेंट करके बताइएगा हम तो लिट्टी की बहुत सारी रेसिपी डाले हुए हैं फ्रेंड्स तवा पर की लिट्टी तली हुई लिट्टी आग पर की गोइठा पर की लकड़ी पर की सब तरह की लिट्टी का वीडियो हम डाले हैं फ्रेंड्स तो बहुत दिन हो गया था तो लोग का डिमांड था कि आप लिट्टी का रेसिपी लाइए तो हम लाए और देखिए जो आग का सटा हुआ रहता है राख और ये उसको हम लोग कपड़ा की सहायता से खूब अच्छी तरह से हिला कर और झाड़ लेते हैं जो राख का अंश डस्ट का अंश चिपका रहता है सब अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है तो देखिए साफ़ हो गया अब हम लेंगे घी घी में डुबो डुबो कर रखते जाएंगे ताकि लिट्टी सॉफ्ट रहे और डुबा कर भी लोग खाते हैं तो कैसी रही ये रेसिपी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक यार तो बनता है थैंक्स फॉर वॉचिंग है नाइस डाय बाय बाय टेक टिक